और अब बात चुनाव के समुद्र मंथन की और वोट के अमृत कलश की, क्योंकि राजनीतिक दल कोई भी हो, सबका सपना है कि यूपी अपना हो, क्योंकि यूपी में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसमें वो दल भी शामिल हैं जो यूपी के बाहर के हैं, लेकिन यूपी के समुद्र मंथन में वोट का अमृत कलश किसे मिलेगा, ये गठबंधन की बात भी चल रही है। 2017 में ना लड़ने का नुकसान उनको जरूर हुआ। अब पार्टी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। यूपी में जेडीयू के हिस्से में क्या आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से यूपी में एक के बाद एक राजनीतिक दल आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार नया इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। इस बार यूपी में जो दल ताल ठोक रहे हैं, उनमें भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, प्रसपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, AIMIM, आम आदमी पार्टी, JDU और VIP जैसी पार्टियां शामिल हैं। जबकि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो गठबंधन में या फिर किसी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें RLD, NCP, RJD, महान दल और जनवादी पार्टी शामिल है जो सपा के साथ है, वहीं निषाद पार्टी और अपना दल BJP के साथ है। मतलब यूपी के चुनावी महासंग्राम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 20 से ज्यादा पार्टियां ताल ठोक रही हैं। अब यूपी किस पर मेहरबान होता है, किसे सिंहासन पर बिठाता है, ये देखना होगा, क्योंकि सिर्फ चुनावी ताल ठोकने से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक दलों को जनता के दिल में भी जगह बनानी होगी। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।